नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुल्तानपुर टुडे। ये जो एक प्यारा सा वीडियो आप देख रहे हैं, 15-16 साल का बच्चा एक सारस को कटिए से मछली मारकर उसे खिला रहा है। और देखिए कितना खूबसूरत वीडियो है ये। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए किस तरह से ये सारस इस बच्चे के पीछे उड़ रहा है। ये जो बच्चा है ये ना ही आरिफ का दोस्त है और ना ही आरिफ का कोई रिश्तेदार है, या दूर दूर तक आरिफ से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ तक कि ये अमेठी ज़िले से भी नहीं है। हाँ, लेकिन है तो उत्तर प्रदेश का ही। अमेठी से करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का वीडियो है ये। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। आप देख सकते हैं नहर की पटरी पर ये लड़का बाइक चला रहा है आगे, और पीछे ये सारस इसके पीछे पीछे उड़ रहा है। प्रयागराज ज़िले का ये वीडियो है ये। मैं पूरी डिटेल्स आपको बताऊँगा, उससे पहले कुछ बेहतरीन बहुत प्यारे शॉट मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किए हैं। ये देखिए, ये तालाब के अंदर ले जाकर ये लड़का इस सारस को नहला रहा है। साफ तौर पर देख सकते हैं आप। और नहलाने के बाद देखिए, ये खुद भी तालाब के अंदर घुसा हुआ है। देखिए किस तरीके से इसको बहुत आराम से, देखिए प्यार से, कितने अच्छे से। इस वीडियो में ये भाई साहब सारस के लिए तालाब से मछली अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक मछली छोटी सी आती है लेकिन वो छूट जाती है। और ये देखिए कोशिश पूरी कर रहे हैं लेकिन इनके हाथ में मछली आ नहीं रही है। और ये जो जनाब हैं सारस, ये इनके साथ में यहाँ पर खड़े हैं कि जब ये मछली पकड़ कर इनको देंगे तो ये खाएंगे। ये देखिए खुद भी ये ढूंढने लग गया है। ये बहुत ही खूबसूरत वीडियो है ये, प्रयागराज का है, जहाँ पर हमारी टीम पहुँची थी इनसे मिलने के लिए। और मैं खुद अभी मैं आपको इनसे मिलवाऊँगा, उससे पहले कुछ वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भी लगे कि कुछ किस तरीके से इंसान और पक्षी के बीच में कितना प्यार चल रहा है। ये बच्चा है 15-16 साल का। देखिए इसे अपने बेडरूम में बिठाए हैं, ये जहाँ पे ये सोते हैं वहीं ये भी रहता है। इसका नाम क्या है ये तो मुझे नहीं पता है, ना ही मैंने इसे पूछा है। खैर आप कोई अच्छा सा नाम दे सकते हैं कमेंट में। बाकी देखिए किस तरह से अपने हाथों से खिला रहे हैं ये, और काफ़ी एक खूबसूरत वीडियो आपको दिखाई दे रहा है। जिस तरह से देखिए ये अपने हाथों से खिला रहे हैं। अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, इस बच्चे के बेडरूम का है जहाँ पर सारस के साथ ये रह रहा है। और ये देखिए ये अब जो है ये अपने घर से इसको बाहर लेकर आ रहे हैं, और बाहर निकाल कर देखिए ये बाहर आ गया है। ये जो 15-16 साल का बच्चा आपको इस सारस के साथ दिख रहा है, इसका नाम आमिर है। आमिर जो प्रयागराज ज़िले का रहने वाला है। ये देखिए कहीं भी ये जाते हैं आमिर के साथ में ही ये सारस रहता है, अपने साथ इसको घुमाते हैं, यानी जहाँ भी आना जाना हो ये साथ में लेके जाते हैं। आमिर से मैं आपकी पूरी बात करवाऊँगा, आमिर से मेरी काफ़ी देर तक बात हुई है। उससे पहले कुछ मैंने जो वीडियो शॉट लिए हैं उसको आप देखिए कि किस तरीके से गहरी दोस्ती है आमिर और सारस के बीच में। एक अभी सोशल मीडिया पे एक ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा था आरिफ गुज्जर और सारस का, सेम उसी तरीके से आप देख सकते हैं आमिर का भी एक अच्छी सी दोस्ती है, लेकिन आमिर के साथ एक अलग बचपन का प्यार कह सकते हैं, क्योंकि आमिर ने इसे बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया है। आमिर का कहना है कि जब ये बहुत छोटा था, यानी करीब 2-4 दिन का रहा होगा, तो इसके माँ बाप इसे छोड़ कर चले गए, या हो सकता है कि माँ बाप को किसी जानवर, जंगली जानवर ने घायल कर दिया हो, या किसी तरीके से वो नहीं रहे इस दुनिया में। इस वजह से आमिर इसे अपने पास लेकर आए, अपने घर पर इसे बड़ा किया, और ख़ुद ही अपने हाथों से इसे मछलियां ढूंढकर खिला रहे हैं। और कई बार आप देख सकते हैं, देखिए इस वीडियो में किस तरीके से ये इनके पीछे, इनकी बाइक भी काफ़ी अच्छी है, और इसके पीछे ये सारस देखिए कैसे दौड़ रहा है। और भी कई सारे वीडियो हैं, देखिए इसमें आमिर खुद दौड़ रहे हैं और सारस उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो कई तरीके से इसके अंदर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से मैंने शॉट लिए हैं, क्योंकि जब मैं इतनी दूर गया था तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इसके ऊपर अच्छा सा शॉट लिया जाए, ऐसी क्लिप बनाई जाए ताकि आप लोग देख सकें। देखिए यहाँ पर आरिफ नहीं, लेकिन ये आमिर है। आमिर देखिए इसको किस तरह से प्यार कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा घुला मिला है, मैंने इसको वीडियो के अंदर मैंने देखा, मैंने इसको टच करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मुझे टच करने से मना कर रहा है, यानी मुझे अपना दोस्त नहीं मानता है। मैंने इसको अभी, मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊँगा कि कैसे मैंने इसे टच किया लेकिन टच नहीं करने दिया है। लेकिन आमिर को देखिए किस तरह से इसको प्यार कर रहे हैं, किस तरह से इसे टच कर रहे हैं, और आमिर को ये कुछ भी नहीं, मतलब एक तरह से अपना दोस्त मानता है, इसलिए इनको बिल्कुल भी। देखिए ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा वीडियो है, इस तरीके से इसे बाहर निकाला गया है। ये देखिए मछली पकड़ कर तालाब से बाहर निकाली गई, और यहाँ पर इसे ये अपने हाथों से खिला रहे हैं। ये बहुत ही, मतलब एक प्रकृति का बहुत ही सुंदर नज़ारा है, ये बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और मैं आगे आपसे, अब मैं आमिर से आपको बात करवाता हूँ।
देखिए ये काट रहा है, अगर मैं इसको टच कर रहा हूँ तो ये काफी गुस्सा हो रहा है, मेरे को दूर आना पड़ेगा थोड़ा सा। लगता है कि ऐसा वायरल होना चाहिए, अखिलेश यादव आए उसके बाद आपसे मिले, मुख्यमंत्री आए वो आपसे मिले, कुछ ऐसा सोच जी ऐसा नहीं, फेमस वेमस नहीं होना, बस इसको ये सेफ रहे, अच्छे से मेरे साथ रहे बस। अच्छा नमस्कार, आप देख रहे हैं सुल्तानपुर टुडे। जैसा कि आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा है आरिफ और सारस की दोस्ती को लेकर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुल्तानपुर टुडे ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से शूट किया, उसके बाद रिलीज़ किया, जिसके बाद मिलियंस व्यूज़ गए। अभी हम लोग पहुँचे हैं प्रयागराज जिले के सराव तहसील में, यहाँ पे हमारे साथ में आप देखा है कि पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके साथ खड़ा कौन है। यहाँ पर आप थोड़ा सा कैमरा पीछे ले जाकर दिखाइए, आप देखिए ये इनके साथ में है, आपके साथ ही है ये जी। अच्छा ये आपके रूम में ही रहता है राइट, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। आमिर जी, आमिर भाई ये बताइए कि ये जो है आप कहाँ से मिला इसको, ये आपके साथ रह रहा है, मैं देख रहा हूँ बेडरूम में आपके साथ ही, आपके घर में आपके साथ में रहता है 24 घंटे आपके साथ रहता है, और जहाँ भी आप जाते हैं आपसे आपके साथ उड़ान भी भरता है, मतलब आरिफ भाई की तरह सेम आपका ये सारा है राइट। अच्छा ये बताइए कैसे मिला ये, कैसे कहाँ से मिला ये कैसे? बहुत छोटा था, सही चल भी नहीं पाता, मैं गया था खेत, हाँ वहाँ कई सारे पंख बिखरे पड़े, बड़े पंख बिखरे, बड़े पंख। अच्छा जी, ये छोटा सा ही था मतलब दो चार दिन का? हाँ बस इससे ज्यादा नहीं, मुझे लगा इसके माँ बाप को कोई जंगली जानवर खा गए हैं, ये अकेला छिपा बैठा था, तो मैं इसको घर लेके आया, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह बिल्कुल बहुत केयर से इसको पाला। बहुत कितना बड़ा था, छोटा सा था? बिल्कुल छोटा सा, इतना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये छुप के वहाँ पे बैठा हुआ था, हाँ, आपके खेत था। अच्छा उसके बाद आज ये इतना बड़ा हो गया आपसे, बड़ा है कितना बड़ा है, हाथ हाथ लगाओ इस पे दिखाओ। अच्छा ये आप ही के साथ रह रहे हैं? अच्छा आपके साथ यही पे दिन भर रहता है, रात में भी आपके साथ में ही रहता है? अच्छा मैंने देखा कि आप इसको बाइक पे लेके अपने साथ साथ लेके जा रहे हो सेम, तो मतलब आरिफ भाई को क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने एक पक्षी बताया उसका पैर टूटा हुआ था? हाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो मेरे बड़े भाई हैं, हाँ। उन्होंने उसकी टांग जोड़ी, लेकिन मैंने इसको अपनी पूरी इसकी जिंदगी दी है, आपने इसको लाइफ दिया, कहीं ना कहीं लाइफ सेव किया, छोटा सा था जब इसको, छोटा सा था बिल्कुल जी। और आप ये कितना बड़ा हो गया, ये अब ये 6 महीने का हो गया, 6 महीने का लगभग हो गया है। अच्छा ये बताइए इसको खिला क्या रहे हैं आप, और किस तरीके से आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं? इसको फिश वगैरह खिला रहे हैं, और रोटी वोटी खाता है, घर का थोड़ा बहुत खाना भी खाता है। तो आसपास कोई आता है तो मतलब ये थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि आपके अगर आपके आसपास? हाँ ये थोड़ा चिढ़ जाता है, अजनबी लोगों को देखकर। अच्छा आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से वायरल हो रहा है आरिफ का वीडियो जी राइट, काफी लोग काफी कवरेज हो रही है, यहाँ तक बीबीसी तक आई, तो आपको नहीं लगा कि आपके पास भी कोई पत्रकार आए, कोई जो मीडिया आए आपको वो करे, क्या लगता है? नहीं जब से आरिफ भाई बहुत वायरल हो गए तब से गांव वाले और बाहर से लोग आते हैं, लेकिन आपके पास आते हैं लोग? हाँ आते हैं, यानी आप छोटे आरिफ बन गए हैं, छोटे छोटा सारा से आपका दोस्त है ना। और ये कहाँ है मतलब आपका जो है, ये प्रयागराज जिला है, सराव में पड़ता है, सुराव राइट। अच्छा ये बताइए कि इसको क्या खिलाया जा रहा है अभी फिलहाल, आपके साथ खाता पीता बैठता उठना सब आपके साथ में, आपकी दोस्ती अच्छी है, कहाँ तक लेके जाते हैं इसे? इसे ज्यादा दूर नहीं ले जाते, रोड पे जाने से ये डरता है, मेन रोड पे वैसे इधर उधर घुमा लेते हैं जी। अच्छा अभी आप इसके लिए परमानेंट यही चारपाई बना दी है इसकी जी? अच्छा बिस्तर भी लगा देते हैं रात में? बिस्तर देखता है तो और तेज चारपाई पे चढ़ता है। अच्छा बिस्तर लगाने के बाद और तेज चढ़ जाते हैं। अच्छा घर में और भी किसी को प्यार करता है या सिर्फ माफी को? नहीं और लोग को भी, मम्मी लोग को नहीं काटता, साथ में रहता है। अच्छा लेकिन और कोई बाहर ही आ जाता है? बाहर ही आ जाता है तो चिल्लाने लगता है या तो फिर काटने लगता है। अच्छा अच्छा क्या क्या खिला के इसको बड़ा किया? छोटा सा था तो बहुत ज़्यादा मछली खाता था, हाँ उसके लिए मैं बहुत मेहनत किया, मेरे दोस्तों ने भी बहुत मेहनत किया है, तालाब वालाब लेके जाते, तालाब में पूरी जाल बड़ी वाली जाल लेकर हम लोग मारते थे धूप में, सिर्फ इसके लिए है, हाँ, कि ये बड़ा हो जाए किसी हाँ। से। तो ये आप छोड़ के जाता है कि नहीं आपको जाता है? नहीं बाहर थोड़ा टहलता हलता है, हाँ। जब भूख लगती है तो मेरे पास मैंने देखा कि ये भी आपके पास पीछे बाइक ले बाइक पे आप जाते हैं तो पीछे पीछे उड़ता रहता है? हाँ जाता है ना, जाता हाँ। रहता है, लेकिन तो अभी थोड़ा डरता है, बच्चा है, बच्चा है इसलिए हाँ। डरता है। लेकिन कभी था कि ऐसा वायरल होना चाहिए, अखिलेश यादव आए उसके बाद आपसे मिले, मुख्यमंत्री आए वो आपसे मिले, कुछ ऐसा सोच? जी ऐसा नहीं, फेमस वेमस नहीं होना, बस इसको ये सेफ रहे, अच्छे से मेरे साथ रहे बस। अच्छा आपके साथ रहे, आरिफ को क्या कहना चाहेंगे? वो बड़े भाई हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, उसको बचाया उन्होंने जी, उसको बचाया उन्होंने। आते रहते हैं आपसे कि नहीं? हाँ आते हैं, आते हैं। जब से आरिफ वाला वीडियो वायरल हुआ तब से काफी लोग आते हैं, तब से काफी लोग आते हैं। अच्छा चलिए देखते हैं इसको भी, देखने आइए आइए, चलो डरो मत, भीड़ देख कर ही लेकिन डर जाता है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी लोग आए हुए हैं, ये बाहर से भी है या गांव के भी लोग हैं? बाहर के भी लोग हैं, बाहर के भी लोग हैं, गांव के भी लोग, गांव के भी लोग हैं, ये सारे लोग आपसे मिलने आते रहते हैं। अच्छा, आइए आप लोग थोड़ा पास आइए, आप लोगों से भी थोड़ा बात किया जाए। आइए, ये मैं टच कर लूँ, इसको टच कर लूँ, बात आते देखिए ये काट रहा है, अगर मैं इसको टच कर रहा हूँ तो ये काफी गुस्सा हो रहा है, मेरे को दूर आना पड़ेगा थोड़ा सा। आप अपने पास ले जाइए इसको, क्योंकि ये आप ही का दोस्त है, मेरा दोस्त नहीं है। अच्छा, क्या लगता है आपको, जो आरिफ वाला वीडियो वायरल हुआ उसके बाद इनके पास भी अखिलेश यादव को मिलने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या लगता है? क्योंकि आरिफ ने ये कह रहे हैं कि आरिफ ने सिर्फ उसकी टांगे जोड़ी हैं, लेकिन इन्होंने उसको इसको जिंदगी दी है, कहीं ना कहीं देखा जाए लाइफ दी है। जब ये छोटा सा था तो इसको लेकर आए अपने पास, मतलब अपने रूम में रखा, क्या लगता है कि मतलब आप लोगों को अच्छा लगता है किस तरीके से? बहुत अच्छा लगता है हम लोग को, जैसे मेहनत किए हैं। किस तरफ लाइए आप, किस तरफ लाइए? बेचारा बचपन से लेके जवानी तक इसको पाल रहा है, खिला रहा है, मेहनत करता रहता है, साथ साथ रहता है। आरिफ का वीडियो देखा जाए तो काफी वायरल हुआ है ना, मीडिया उसमें लोग उसको देख रहे हैं, अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो जिस तरह से क्या नाम बताया आपने अपना? मोहम्मद आमिर। आमिर, आमिर ने काफी अच्छा काम किया, काफी सराहनीय काम है। तो क्या लगता है कि मतलब ऐसा वायरल होना चाहिए, क्या आप लोगों को भी लगता है कि आपके गांव फेमस होना चाहिए? वायरल स्टेट बर्ड भी है यहाँ का, राइट? और जिस तरह से ये कितना छोटा सा, एकदम छोटा सा था, एकदम छोटा सा था, आमिर भाई ने बहुत मेहनत किया है इनके लिए, दिन रात एक कर दिया है। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, है ना? जी। अच्छा, वायरल होने के बाद आपको एहसास हुआ कि जो है आमिर को भी फेमस इस तरह से, मतलब यहाँ पे लोग आए बाहर से और सारी चीज बाहर से आए, क्या लगता है कितना, किस तरह, कैसा एहसास हो रहा है? मतलब हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि आमिर भी हमारे पाल रहे हैं, इसको बचपन से पाल रहे हैं और इतना बड़ा कर दिया इसको पाल पोस के। पहले लगता था कि ऐसे फालतू में पाल रहे हैं, लेकिन बहुत प्यार करते हैं आमिर इससे, इसके इनके साथ जाता है, इधर उधर कहीं भी जाते हैं तो आमिर के साथ जाता है। चलिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो बर्ड है, ये आमिर का एक अच्छा दोस्त, अगर मैं इसको टच करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये मुझे टच करने नहीं दे रहा है। और मैंने जैसा कि आपको दिखाया इस वीडियो में कि हम लोग जब बाहर गए तो कहीं ना कहीं सेम जिस तरह से आरिफ को ये फॉलो कर रहा है, उनका जो बर्ड है सारिस बर्ड है, उनका दोस्त है, उसी तरीके से ये आमिर का दोस्त है और इनको भी उसी तरह से फॉलो कर रहा है। ये प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है, प्रयागराज का सराव तहसील पड़ता है ये। आगे भी हम आपको कुछ अपडेट देते रहेंगे।